कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। भारत भी अब इसके असर से अछूता नहीं है। आपको बता दें कि देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। देश की अगर बात की जाए तो अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 5000 के पार पहुंच चुकी है और साथ ही में मरने वालों का आंकड़ा 149 की संख्या को पार कर गया है। हालांकि 402 मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर लौट चुके हैं, ये राहत की बात है। इसी बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का एक एएसआई भी कोरोना संक्रमण का शिकार हो गया। आपको बता दें कि बुखार की शिकायत के बाद पिछले हफ्ते ही उसका टेस्ट किया गया था, जिसमें उसकी कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि अब हो गई है। फिलहाल उसे एम्स में शिफ्ट कर दिया गया है। इसी के साथ उसके परिवार को होम क्वारंटाइन कराया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात अगर की जाए तो अब तक 1018 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो गई है, जबकि 64 मरीजों की महाराष्ट्र में मौत भी हो गई है। अकेले मुंबई में कोरोना का सबसे ज्यादा खौफ देखा जा रहा है। मरीजों की संख्या 642 पर पहुंच चुकी है, जबकि 40 मरीजों की जान भी अभी तक कोरोना वायरस के चलते मुंबई में चली गई है। और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए एवन संवाददाता प्रीत किरण दिल्ली से मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। प्रीत, काफी भयावह है और दिन ब दिन माहौल यहां पर बिगड़ता ही जा रहा है। 5000 का आंकड़ा पार कर गई है संख्या। जी बिल्कुल जेपी, 5194 पेशेंट जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। देशभर में 5000 का आंकड़ा पार कर चुका है। हालांकि इसमें 401 पेशेंट ऐसे भी हैं जो पूरी तरीके से दुरुस्त हो गए हैं, अस्पताल से उनको छुट्टी दे दी गई है। देश भर में केवल दिल्ली में ही अगर बात करें तो करीबन 51 जो पेशेंट हैं उनको अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। ऐसे में आंकड़ा जरूर बढ़ रहा है, लेकिन ठीक होने की संख्या भी बढ़ रही है। लेकिन 149 पेशेंट ऐसे हैं देश भर में जिनकी मौत हो गई है कोरोना से। लगातार तमाम राज्यों में ये आंकड़ा बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में 1000 को पार कर चुका है आंकड़ा, दिल्ली में 550 को पार कर चुका है आंकड़ा। तो ऐसे में तमाम जो शहर है और तमाम जो राज्य है वहां पर कोरोना के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। खास तौर पे दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में कोरोना के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। मरकज की वजह से दिल्ली में ही 33 मरीजों की संख्या बढ़ गई है। हालांकि देश भर में जिस तरीके से कल रात में शबे बारात को लेकर काफी जो मुस्लिम लोग हैं वो घरों से बाहर नहीं निकले, केंद्र सरकार की तरफ से अपील की गई है। जी 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 प्रीत, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।